प्रदेश में लोकसभा चुनावों के चलते अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस मोदी सरकार पर जमकर निशाना साध रही है, तो वहीं पर दूसरी ओर भाजपा प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी को लेकर के कोस रही है। पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में राजधानी में अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं। पिछले 3 महीनों में महिलाएं अपराध में 16% बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सरकार चुनाव में व्यस्त है। साथ में सराफ ने आरोप लगाया कि शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है। सराफ ने मेयर विष्णु लहरा पर निशाना साधा और कहा कि छल कपट से बने मेयर ने भी स्वीकार किया कि शहर में सफाई समय पर नहीं हो रही है। विधानसभा के चुनाव में जिन लुभावने वादों के आधार पर कांग्रेस ने सत्ता हासिल की, उन सब वादों को भुला दिया गया। पहला वादा उन्होंने किया था कि प्रदेश के सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा 10 दिन में माफ कर दिया जाएगा, परंतु अफसोस है कि जहां पूरे प्रदेश में 60 लाख से ज्यादा किसान जिन पर 1 लाख करोड़ का कर्जा है, उसको माफ नहीं किया। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन।